लवर्स ट्रस्ट की पहली वर्षगांठ पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में योगा लवर्स आइकन अवार्ड प्रसिद्ध योग गुरुओं को प्रदान किए गए। योग के क्षेत्र में विलक्षण काम करने वाले 10 योग गुरुओं को योगा लवर्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले योग गुरु हैं श्री मुकेश कुमार, श्री सुधीर मिश्रा, श्री बद्रुल इस्लाम, योगी नरेश शर्मा, श्रीमती मोनिका शारदा, श्री अपूर्व श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेश पत्रा, योगी अचितानंद कृष्णा, डॉक्टर राजेश भयाना, योगी आनंद। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई। उसके पश्चात नन्ही बच्चियों ने सुंदर नृत्य का प्रदर्शन कर वहां उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। उसके बाद योगी और योगिनियों ने मिलकर योग की विभिन्न क्रियाओं का, मुद्राओं का मन भावन प्रदर्शन किया। योगा लवर्स आइकॉन अवार्ड को लेकर सम्मानित होने वाले योगियों ने अपने विचार रखे। के बारे में क्या कहें? मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस योगा लवर्स आइकॉन अवार्ड फर्स्ट एनिवर्सरी 2018 में सम्मानित पाने के लिए। मैं योगा लवर्स के फाउंडर श्री अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु सुनील सिंह का हृदय से कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित स्थापित करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे इस काबिल समझा। और ये योगा लवर्स आइकॉन अवार्ड का मुख्य उद्देश्य यही है कि सच में और सही अर्थों में योग को जन जन तक पहुंचाना। जो योग की विकृति समाज में फैलती चली जा रही है, योगा सिर्फ एक डेमो होता चला जा रहा है, योगा सिर्फ एक बॉडी को कैसे तोड़ मतोड़ के पेश किया जा रहा है, उसको सही रूप देने का योगा लवर्स का काम है। योगा लवर्स की पूरी टीम को और योग गुरु सुनील सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप पहली एनिवर्सरी पर ये अवार्ड फंक्शन आपने किया है। मैं योग गुरु नरेश शर्मा पिछले 15 साल से योगा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ। हमारी एक फाउंडेशन है योग इंडिया फाउंडेशन, जो नॉर्थ इंडिया में जगह जगह पर योगा के प्रमोशन के लिए और नेचुरोपैथी की प्रमोशन के लिए कार्य कर रही है। और इसी प्रकार हम योग गुरु सुनील सिंह जी के साथ ही मिलकर जगह जगह पर प्रोग्राम करते रहते हैं। अभी हमने चंडीगढ़ में किया है सुनील सिंह जी के साथ। और योगा में हमारे को जहाँ पे भी लगता है कि हम कुछ कर सकें वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम पहुँच जाएं। सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ठीक अच्छा है कि आपने जितना जो कार्य किया है उसके लिए छोटा सा एक बहुत बड़ा हमारे लिए पुरस्कार है। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट दिस अवार्ड, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मेरे को देन आई है भगवान की। मैं बहुत बाय वर्ड ऑफ माउथ काम करती हूँ, कभी इधर से उधर नहीं करती, सॉरी। तो एक ब्लेसिंग है ये, एंड मैं योगा से अभी एसोसिएटेड हूँ, मेरी माइंड एंड बॉडी एंड सोल एक है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस, थैंक यू। देखिए, योगा लवर्स योग गुरु सुनील सिंह जी ने फाउंड किया है और बहुत ही ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब तक मैंने जितने भी योग संस्था में, योग क्षेत्र में कार्य करते हुए देखा है, जितने भी संस्थाओं को, उनमें सबसे ऑथेंटिक है, प्रामाणिक ये योगा लवर्स है। जो स्वयं योग गुरु सुनील सिंह जी हैं, जो प्रामाणिक योग है उसको जानते हैं, और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है जो योग क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान किए हैं, जो कार्य कर रहे हैं उनको, तो डेफिनेटली सभी के सभी प्रामाणिक हैं, सभी के सभी जेन्युइन है, जो इस क्षेत्र में डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं। योग गुरु सुनील सिंह ने योगा लवर्स आइकॉन अवार्ड के बारे में जानकारी देते हुए कहा। देखिए, पिछले एक साल से योगा लवर हेल्थ एंड वेलनेस पर प्रोग्राम्स कर रही है, और फिर हमें ये लगा कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो पिछले कई वर्षों से हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में कार्यरत हैं और जनमानस को लाभान्वित कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया कि ये डिसाइड किया हमारी जूरी ने और हमारे ट्रस्टीज़ ने कि 10 ऐसे आइकॉन्स ढूंढे जाएँ जो हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हमारा मूलभूत उद्देश्य ये था कि उन लोगों को प्रेरित करना जिन लोगों को मंच नहीं मिलता या जिन लोगों को कहीं पहचान नहीं मिलती है, हम अपने योगा लवर्स के माध्यम से उनको हम पहचान देते हैं, अपने मंच पर हम उनको बुलाते हैं। और आपसे एक बहुत अच्छी बात शेयर करना चाहूँगा कि पिछले एक साल में हम लोगों ने लगभग 14 इवेंट्स किए, और 14 डेली NCR में, और उसके अलावा हमने एक इवेंट आसाम में किया और चंडीगढ़ में किया। तो योगा लवर्स ने अपने मंच के माध्यम से करीब करीब 32 स्पीकर्स को चांस दिया, 19 योगिनियों को चांस दिया जो डेमोंस्ट्रेट कर रही थी, एंकर जो योगी थे करीब करीब 12 लोगों को हमने चांस दिया। तो मैं समझता हूँ कि योगा लवर्स एक ऐसा मंच है जो सबका साथ, छोटे और बड़े सबका विकास।
आने वाले भविष्य में हमारा ये उद्देश्य है कि योगा लवर्स को हम पैन इंडिया में लेके जाएंगे, जैसे जैसे हमें स्पॉन्सर्स मिलेंगे, जैसे जैसे ऐसे लोग जो हेल्थ एंड वेलनेस को लाइक करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनके माध्यम से धीरे धीरे हम पैन इंडिया में जाएंगे। एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि योगा लवर्स ने एक साल के अंदर 5 ऐसी पॉकेट बुक्स बनाई जो हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड थी, जिनका प्राइस बहुत कम था। तो हमारे ट्रस्ट का यही मूलभूत उद्देश्य है कि हिंदुस्तान को हम स्वस्थ बनाएँ योग और अदर फॉर्म ऑफ हेल्थ वेलनेस के द्वारा। योगा लवर्स की टीम अपने लक्ष्य की ओर योग गुरु सुनील सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है।